यदि कांग्रेस कोई बढ़िया प्रोग्राम, जनहित का प्रोग्राम करती है तो उसके लिए कोरोना की गाइडलाइंस आ जाती हैं। ये सबसे बड़ी जो है देश के लिए चुनौती है। और ये कोरोना काल के वजह से रोक रहे हैं, ये बेवजह का कोई कोरोना काल नहीं है। चाइना में है, चाइना से रोके, चाइना को रोके। बेरोजगारी फैल रहा है, युवा मर रहे हैं, पढ़ लिख करके क्या इनको रोजगार नहीं मिल रही है। जो बार बार मीडिया में नफरती माहौल पैदा करने का काम भाजपा कर रही है, उसको हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों के दिलों की मोहब्बत को जगाने का पैगाम दे रहे हैं। ना तो आपने मास्क लगाई है, ना कोई आपने कोई मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, ना हमने किए हैं, तो कहाँ है कोरोना? भारत जोड़ो यात्रा का 107वां दिन है और यहाँ पर यात्रा है पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ जो है राहुल गांधी जी का स्वागत किया जा रहा है और आज दिल्ली में पहुंच चुके हैं। बदरपुर बॉर्डर से होते हुए यात्रा यहाँ पहुंची है, तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा? यात्रा भारत में पहली बार हुई है जिसने 3500 किलोमीटर अपनी 150 दिनों के अंदर यात्रा की हो और ऐसे लाखों की संख्या में लोगों ने इस यात्रा में शामिल होकर अपना योगदान दिया हो। ये युवाओं की बेरोजगारी को ख़त्म करने वाली और देश के हर व्यक्ति को जागरूक करने वाली ये यात्रा है। महात्मा गांधी ने जो पैदल मार्च किया था अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, उसी तरह का आज राहुल गांधी जी इस तानाशाही गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, तमाम लोग जो है एकत्रित हो रहे हैं, क्या यहाँ पर भेदभाव भी हो रहा है, जाति वाति ऊंचे ऐसे कुछ? यहाँ जातिवाद कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ जितने भी व्यक्ति चल रहे हैं, न तो कोई किसी की जाति पूछी जा रही है, ना किसी का मजहब पूछा जा रहा है। यहाँ सिर्फ एक ही बात है कि देश को जगाना है, इस निरंकुश तानाशाही सरकार से मुक्ति दिलानी है, लोगों के हकों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जो सरकार ने, भाजपा सरकार ने कोरोना की आड़ में विदेशी कंपनियां बना दी हमारे देश की, जो अपनी कंपनियां थी उन कंपनियों को विदेशियों के हाथों में बेच दिया है, बेल जैसे, हमारी रेलवे जैसी, जो एयरफोर्स जैसी चीजें थी उनका भी आज हमारा सौदा होने जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को जागरूक करने का काम। जोड़ो यात्रा ये इतने दिनों से चल रही है, अब जो है कोरोना का बताया जा रहा है, भाई कोरोना के प्रोटोकॉल्स जो है आपको देखने पड़ेंगे। या भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा में कुछ डर है? भाजपा डर गई है, इसीलिए वो कह रही है कि कोरोना दोबारा आ गया है। अगर भाजपा नहीं डरती तो कोरोना नहीं आता। मेन मकसद कोरोना का यही है कि भाजपा डरी हुई है। जब भी वो डरे, चाइना में काफी लोग जो है इन्फेक्टेड है और कोरोना का चाइना में है ना, भारत में तो नहीं है। जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता, जब जैसे ही कांग्रेस कुछ करना अच्छा दिखाती खा रही होती है या देश में कुछ अच्छा होना होता है तभी कोरोना आ जाता है। कोरोना सिर्फ भाजपा की नजरों में कोरोना है। अगर भाजपा कोई कार्यक्रम करती है तो उसके लिए कोरोना नहीं है। यदि कांग्रेस कोई बढ़िया प्रोग्राम, जनहित का प्रोग्राम करती है तो उसके लिए कोरोना की गाइडलाइंस आ जाती हैं। ये सबसे बड़ी जो है देश के लिए चुनौती है। भाजपा के कार्यक्रम जैसे हैं वैसे ही चलते रहते हैं, लेकिन अदर कोई करता है तो उसके लिए कोरोना की गाइडलाइन शुरू हो जाती है। क्या लगता है कि फर्क पड़ेगा? हाँ, जय भीम का आप बाबा साहब लेके चल रहे हैं, बाबा साहब हमारे को अपने साथ लेके चले थे, आज हम बाबा साहब को साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि हमको अपना संविधान बचाना है। राहुल गांधी ने भी कहा है कि संविधान बचाओ, भारत जोड़ो। अगर संविधान बचाना है, संविधान खतरे में है क्या? संविधान खतरे में है, मनुस्मृति को लागू करने जा रहा है, हर जगह हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराए जा रहे हैं। वो क्यों कराए जा रहे हैं? शुरू में तो नहीं हुए, कांग्रेस में हिंदू मुस्लिम झगड़े, हिंदू मुस्लिम जो है कराने से कोई फर्क पड़ेगा, फायदा हो रहा है क्या उन्हें? सब एक हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, इसमें मिल लीजिए, सब के सब एक चल रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं है, हर समुदाय के लोग हैं, हर समुदाय, हर समाज। क्या नाम है? महेंद्र कुमार मीणा। कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान से आ रहे हैं आप? बिल्कुल। फर्क पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई, और ये भारत ईसाई आपस में है भाई भाई।
और ये कोरोना काल के वजह से रोक रहे हैं, ये बेवजह का कोई कोरोना काल नहीं है। चाइना में है, चाइना से रोके, चाइना को रोके। हमारे घर के लोगों को क्यों रोक रही है सरकार? बेरी गुंगी सरकार है ये। बेरोजगारी फैल रहा है, युवा मर रहे हैं, पढ़ लिख करके क्या इनको रोजगार नहीं मिल रही है? सरकार क्या कर रही है? हर चीज महंगाई हो गई, लोगों को रोटी खाने के लिए नहीं है, भूखा मर रहे हैं लोग। भारत जोड़ो यात्रा से क्या होगा? एक हमारी अच्छी सरकार, कांग्रेस की हुकूमत आएगी, आम आवाम जो पढ़ने लिखने वाले युवा लड़का हैं उनको एक अच्छा रोजगार मिलेगी और सही रहेगा, लोकतंत्र बचेंगे इससे। जब से भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट हुई थी तब से जुड़े हुए हैं या आज ही आए? जी हम सब लोग जुड़े हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ। कहाँ से है? तैयार वहाँ से ही बिहार से ही है जी। दिल्ली में मैं रहता हूँ। दिल्ली में आके जुड़े हैं या वहाँ से? जब से दिल्ली से जुड़ा हूँ जी। भारत जोड़ो यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से ये जो लोगों के दिलों में इस भाजपा ने नफरत पैदा करने का मीडिया के माध्यम से जो बार बार मीडिया में नफरती माहौल पैदा करने का काम भाजपा कर रही है, उसको हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों के दिलों की मोहब्बत को जगाने का पैगाम दे रहे हैं। मानते हैं कि ऐसी नफरत का माहौल है उसमें मोहब्बत पैदा करनी? नहीं, भाजपा सिर्फ भाजपा कुछ चंद लोगों के कहने पर नफरत का माहौल मीडिया के जरिए दिखा रही है। वास्तव में हमारे साथ जो यात्रा चल रही है इसमें हर वर्ग, हर जाति, हर स्टेट का व्यक्ति है और ये यात्रा 150 दिनों से चल रही है और इस यात्रा में किसी का मजहब, धर्म कुछ नहीं पूछा जाता। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भाजपा ने जो नफरत की आंधी चला रखी है उस आंधी को खत्म करने के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश का हर जागरूक व्यक्ति करने के लिए आतुर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार मीणा है। मेरा उत्साह दिख रहा है आपके अंदर। मैं राजस्थान से आया हूँ, मीणा हूँ, आदिवासी स्टूडेंट हूँ। अच्छा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम पर पहुँच गई। रेल भारत जोड़ो यात्रा से जो आप जुड़े हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या कुछ मैडम, हम चाहते हैं कांग्रेस को, हम कांग्रेस को। हाँ, कांग्रेस सरकार में चार साल में एक एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही। रेल्वे के एग्जाम क्लियर हो रही, पूरी यूपीएससी हर साल पीएसयू पूरी बेच दी राजस्थान ने। हम बीटेक कर रहे स्टूडेंट है लेकिन आप बेरोजगार घूम रहे हैं। बीटेक कर रहे हो, क्या करेंगे? भारत जोड़ो यात्रा से कुछ लग रहा है कि कुछ आगे बढ़ रहा है कि आगे सरकार गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी हमारे स्टेट में? भाजपा सरकार तो बोल रही है कि तुम नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ने की बात। नहीं मैम, इनकी सोच है अलग, तोड़ने वाली है, कोई नफरत फैलाता नहीं, सब प्यार की बातें कर रहे हैं, सब प्यार से रह रहे हैं, सब हिंदू मुस्लिम सब भाई। नफरत के माहौल में गांधी जी ने, राहुल गांधी ने बोला कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। जी मैम बिल्कुल सही, ऐसा हो रहा है, वाकई ऐसा हो रहा है मैम, बहुत ज्यादा हो पाएगा ऐसा? हाँ जरूर हो पाएगा मैम, 100% हो पाएगा। मोहब्बत की वजह से ही हो रहे हैं, मोहब्बत से हो रहे हैं, किसी को इनविटेशन नहीं भेजा गया, अपनी मर्जी से सब आए हुए हैं। मेरा नाम है कमलेश कुमार चहल, एडवोकेट, मैं रोहतक से आया हूँ। रोहतक से जुड़े हैं हम, रोहतक से आए हैं और हमारे साथ बहुत दूर दूर से आए हैं, ये सिर्फ मोहब्बत की वजह से ही आए हैं ये यात्रा। क्या लगता है छवि बदलेगी राहुल गांधी? छवि बदली हुई है, बदलेगी नहीं, बदल चुकी है। ये बदल जाएंगी, ये सब कुछ बदलेगा। ये 2024 में भाजपा को जाना पड़ेगा, वो जाने के लिए अपना बिस्तर गोल करना शुरू कर दिया है, वो हिल चुकी है, उस वो बौखलाई हुई है, इसीलिए वो जो है ना कोरोना का लोगों को डर दिखा रही है ताकि ये रैली जो ना में लोग कम आए। कोरोना तो बता रहे ना भाई, टीवी पे आप देख नहीं रहे? टीवी अखबार बोल रहा कोरोना आ रहा है, मास्क नहीं लगाया। आप बताओ, आपको कहीं नजर आ रहा है? आपको कोई मीजर अडॉप्ट किया है? नहीं बता रहे हैं, बता तो वो एक अफवाह फैला रहे हैं। चाइना में बहुत ज्यादा फैल गया, वो रैली को फ्लॉप करने के लिए एक अफवाह फैलाई जा रही है और कुछ भी नहीं है। कहाँ है कोरोना? आपको कहाँ कोरोना नजर आ रहा? हमको भी नहीं नजर आ रहा, ना तो आपने मास्क लगाई है, ना कोई आपने कोई मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, ना हमने किए हैं, तो कहाँ है कोरोना? कोरोना है ही नहीं। संसद में मास्क पहनते हैं और शाम को शादी में मास्क उतार देते हैं, भाई सबके लिए कोरोना एक होना चाहिए ना, सुबह कोरोना शाम को कोरोना खत्म, ये क्या मतलब है बीजेपी का? बीजेपी के लिए नहीं है कोरोना, इन लोगों के बीच में खौफ है। बिल्कुल मैडम, भारत जोड़ो यात्रा से खौफ है मैडम? बीजेपी को कहाँ कोरोना है? एक दिन पहले मास्क नहीं था, आज मास्क आ गया, शाम को हट गया मास्क, ये क्या मतलब है मास्क का? कोरोना का डर बैठाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, जो है कोरोना को मुद्दा बनाया हुआ है, ऐसा
लोगों का कहना है और आप देख सकते हैं इनमें उत्साह कितना है। ढोल मंजीरों के साथ यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा जो है आज दिल्ली पहुंच चुकी है और तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, चाहे महिलाएं हो, बूढ़े हो, युवा हो, बच्चे हो, सभी यहाँ पर उत्साह में दिख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जो है फर्क पड़ता हुआ शायद नजर आए, इसीलिए यहाँ पर तमाम लोगों में उत्साह है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा से जो है शायद स्थितियाँ और परिस्थितियाँ बदलेंगी और तमाम युवा जो परिस्थितियों से इस अभी जो हालात है उस नफरत के माहौल को मोहब्बत में बदलना चाहते हैं। तमाम लोग इसीलिए एकत्रित हो रहे हैं कि नफरत का माहौल है, ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को नफरत का माहौल लग रहा है और महसूस होने लगा है, इसलिए मोहब्बत की दुकानें खोली जा रही हैं। तो ये भारत जोड़ो यात्रा मैं अभी कवर कर रही हूँ, पहुँचते पहुँचते ये इंडिया गेट पहुँची है बदरपुर से होते हुए। अभी जो राहुल गांधी हैं उन्होंने निजामुद्दीन में वहाँ पर चादर भी चढ़ाई और उससे पहले वो मंदिर भी गए थे। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे ये यात्रा हम कवर कर पा रहे हैं तो दिखाते रहेंगे आपको। इसी के साथ हमसे जुड़े रहिए जनित आवाज़ पर और देखते रहिए जनित आवाज़। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली।